अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था ये रिगिंग वगैरह करना, तो रिगिंग हमने अपनी इस करेक्टर की थी, लेकिन हमारे पास वही करेक्टर है जो हमने पिछले लेसन में हमने ब्रेक किया था। तो ये रिगिंग के दौरान हमने इसको सल्यूट करना शो किया था। तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। सपोज ये तो हमने जब इम्पोर्ट किया था, इम्पोर्ट करते हुए किया था फुल मैच के तौर पर, लाइक मैं इम्पोर्ट करता हूँ, यहाँ इम्पोर्ट में जाता हूँ, फिर यहाँ अपना करेक्टर ढूंढता हूँ। सपोज रिलीज थ्री, तो जब ये हम इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये अडॉप्ट फ्यूज यानी ये मैक्सिमम फ्यूज का करेक्टर जो है, क्योंकि हमने करेक्टर जो मैक्सिमम फ्यूज में बनाया हुआ है, उसको अगर हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं कहीं पर, कहाँ इम्पोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली इम्पोर्ट कर रहे हैं इंटू थ्री डी स्टूडियो मैक्स, तो देन आप हम क्या करेंगे, ये चीज़ हम उसको लेके आ रहे हैं। जब इम्पोर्ट कर रहे हैं तो इम्पोर्ट करते वक्त बढ़कर दो ऑप्शन होते हैं, लाइक ये है कि मैं जैसे इसको करता हूँ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट करते वक्त अगर इम्पोर्ट एज ए सिंगल मैच कर लेता हूँ तो मुझे है, अगर मैंने वाइप यूज़ किया हुआ तो वाइप के पूरे का पूरी जो बोन स्ट्रक्चर है उसको मैं उसके अंदर ऐड कर दूँगा स्किन के तौर पर, स्किन के अंदर, तो वो जो है हमारा जो है वाइप ब्रेक जो है तो ब्रेक हो जाएगा स्किन के साथ। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं भाई पार्ट हो, तो यानी आप वो स्ट्रक्चर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो देन हम इम्पोर्ट है जैसे कि कुछ नहीं करेंगे, उसको टिक ऑफ रहने देंगे, इम्पोर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे इम्पोर्ट करेंगे तो इसके सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो रहता रहता आएंगे, हम रीनेम ऑल कर देते हैं ताकि हमारे इस स्ट्रक्चर के साथ कोई कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन वो सेम जगह पर है, ये नया करेक्टर है। अब इस करेक्टर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए हम जो है पेंट वगैरह लगा है, शर्ट लगा है, स्किन लगा है, उस तरह यानी सारे पार्ट्स जो है सेपरेट हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। हमने इसको ओके वो नहीं किया, इसको ख़त्म कर देते हैं आज ही, अगर हम इस पर काम करने लगे तो इसमें काम करना है तो कोई एक ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, तो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है जी, या इसको मैं साइड पे कर देता हूँ ताकि अगर मैंने इस पर काम करना है कुछ और तो वही कर सकते। फिलहाल जी हमने ये किया है, तो यहाँ जी जो नेक्स्ट हम लोग फेज यूज़ करना चाह रहे थे वो था वाइप के अंदर, हमने वाइप वाला सेक्शन जो है सेटिंग के अंदर से लिया था, पूरा वाइप ले लिया था। अब अगर बोन स्ट्रक्चर लेना है तो बोन्स को ऑन क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसकी स्नैपिंग स्नैप टैगल ऑन कर लेते हैं। स्नैप टैगल में हमने क्या कहा, रखना है पिवट का ऑप्शन ऑन रखते हैं, वर्टिस और एज का ऑन रखते हैं ताकि हम इनके वर्टिसेस और एजेस को इजीली पकड़ सकें, ठीक है। तो ये जो हमारा करेक्टर है ये अडॉप हम लोग मैक्सिमम फ्यूज में से लाए हैं, तो यहाँ क्या होता है रिगिंग नहीं होती, ठीक है, विदाउट रिगिंग आपको स्किन मिलती है, ठीक है, और हम जो है इसे फिर हमें रिग करना पड़ता है, ठीक है। और भी तरीके हैं, नेक्स्ट हम इससे ये काम करने के बाद हम उसको भी देखेंगे कि और हमारा क्या मेथड है कि हम रिग्ड कंटेंट्स कैसे ला सकते हैं, ठीक है, या इसी को रिग करके कैसे ला सकते हैं। तो जी मैं यहाँ पर अब इसको हम इस स्किन को आर जी ऑन कर लेते हैं, क्लिक करके फ्रीज कर लेते हैं प्री सिलेक्शन, ताकि हम उन चीज़ों को पकड़ सकें। ये मैंने पकड़ा, ये मैं आप ऑफ कर लेता हूँ, जब नहीं करना तो करना भी नहीं, और करके नहीं किया ताकि उसको मैं रोटेट कर सकूँ। रोटेशन में क्या है, बुक एंड अपनी भेजिए, थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं इसको, और इसको अब रोटेट कर लेते हैं, ई किया और करके थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया, ये यानी हमारा आगे टॉप पे हम इसको देखते हैं कि टॉप पे इस जगह मौजूद है, ये हमारा करेक्टर, तो टॉप पे कुछ इस तरह आ रहा है, ये स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे आ रहा है, तो हम इसे जो है अच्छा ये हमारा जो है इस जगह पे आया हुआ है, इसको ऐसे करते हैं होल्ड के डब्ल्यू के जरिए पकड़ के थोड़ा ऐसे करते हैं और फिर पीछे ले जाते हैं यहाँ पे और डब्ल्यू के जरिए ही थोड़ा वो ऐसे ऐसे करते हैं और फिर इसको पकड़ के इसको हम इस तरफ में घुमा देते हैं ये। और अभी अगर ये छोटा बड़ा है तो दिन भी को बड़ा तो होगा, क्योंकि इसके एजेस जो हैं वो और जगह पे थे, इसलिए ये हमारा ये चीज़ आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, इसको F3 कर लेते हैं ताकि हमें वो बोन्स नज़र आए किस जगह पे हैं, तो क्या कर लेते हैं इस बोन को आर के जरिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये हमारे स्ट्रक्चर के मुताबिक रहे, ठीक हो गया जी, ये इसका साइज़ बैलेंस हो गया। अब इसका साइज़ तो बैलेंस हो गया, हम क्या करते हैं, अब ये तो फ्रीज्ड है तो हम क्या करते हैं इस सारे को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट हो गया, ये फ्रीज नहीं है,
उसको आर्ट के साथ अनसेलेक्ट कर लें, या और कुछ भी अनसेलेक्ट हुआ होगा तो उसे सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर लें, आर्ट क्लिक करके रखते हुए दोबारा उसको सेलेक्ट करेंगे अनसेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ मैं इसको मिरर कर लेता हूँ एक्स एक्सिस पे ही और कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ, ये इसका मिरर आया, इसको डब्ल्यू के जरिए इसे उसकी जगह पर पहुँचा देते हैं। ये हो गया जी, तो दूसरी जगह पर हमें चाहिए सेम वैला से जगह उनको नीचे कर लीजिए सकते हो। ये चीज़ हमने कर लिया, अभी हम क्या चाह रहे हैं, हम एक करना चाह रहे हैं जस्ट इन दो चीज़ों को, ये स्किन को और हैंड्स को, यानी ये पर जो अपर है और उसका जो हैंड है, अनफेज ऑल करता हूँ मैं ताकि हम स्किनिंग को पकड़ सकें। अगर इन स्किनों को, ये स्किन और हैंड्स को इकट्ठा करना चाह रहे तो तब हम तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें ये करना चाहिए, हम यहाँ आ जाते हैं इसके अंदर ही मॉडिफाई के अंदर, यहाँ अटैच का ऑप्शन है, अटैच के अंदर आके हम इसको इसकी शर्ट और हाथों को जो है इकट्ठा कर देते हैं, ओके कर देते हैं। एक हो गया जी, अब एक होने के बाद हमारे पास हमें इसको स्किन लगानी है, मैं जस्ट यही वाला पोर्शन फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है। सेम अपने स्नैरियो तो सेम ही है, स्किन किया और जैसे स्किन करते हैं तो यहाँ आपके पास स्किन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आएंगी नीचे, अगर ये करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। यहाँ जी हमने क्या करना है, जाना है जहाँ पे ऐड का ऑप्शन हो, स्किन सिलेक्टेड है, ऐड बूम्स का ऑप्शन आ गया, ऐड किया तो यहाँ हम क्या करेंगे, बूम्स हमें सारी की सारी नज़र आ रही होंगी, वो जो दूसरे कंटेंट से उनके अंदर जो अगर नज़र आई है वो भी आ रही होंगी, तो लाइक हमने जो वर्दी बनाई है वो बी के साथ, यानी कि यही है, ये बूम 1 से 10 तक हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट किया, ये बोन जो है इसके साथ रिग हो गए। अब चेक करते हैं वाकई में ये रिग हुई है कि नहीं, तो क्या करना चाहिए हमें, हम वो यहाँ पे इसे बाहर आ जाते हैं और देखते हैं हमें दिक्कत आपका क्लिक करने को मिल रही है ये चीज़, और बोन तो भी सिलेक्ट हुए, क्या करना चाहिए, इसको हम फ्रीज कर लेते हैं, फ्री सिलेक्शन कर लो तो बोन सिलेक्ट हो, ठीक हो गया जी। अब मैं करता हूँ इसको क्लिक करता हूँ और इसको करने की कोशिश करता हूँ, देखें अब स्किन जो है साथ मूव कर रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम अगर पूरी बॉडी को करना चाह रहे हैं तो भी ठीक है, या हम पूरी पूरा पाइप लेके उसको उसके साथ क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर आप पार्ट वाइज करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, यही चीज़ बोन का बोन्स ले लेंगे और बोन्स को फिर उसके साथ उसमें ऐड कर देंगे स्किन के अंदर, तो वो हमारे जो है ये पार्ट्स जो हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये हमारा उसके साथ हो जाएगा और रिग हो जाएगा। तो ये यार मतलब रिगिंग के दो मेथड थे, एक मेथड तो ये हो गया जिसमें क्या किया हमने, एक जो स्किन लाई है वो जो वन मेश लाई है एक मेश की सूरत में, तो उसके अंदर हमने वाइप को यूज़ किया और वाइप को हमने उसके अंदर पूरे के पूरे वाइप को हमने उसकी स्किन के अंदर ऐड कर दिया, तो वो हमारा जो है जो स्किन है वो उसके साथ वाइप के साथ रिग होगी। लेकिन अगर आप वाइप पार्ट अप करना चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं बाजुओं को मैं लदा रखूँ, उनसे क्या इसके जो और पार्ट्स हैं उनको लदा रखूँ, ठीक है, तो वो आप लदा लदा भी इनको रिगिंग कर सकते हैं। तो लदा लदा रिगिंग करने के लिए आपको बून का ऑप्शन यूज करना, और बून को साथ में पहले जो उसके हिसाब से एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने के बाद आप उसको ऐड कर देंगे तो वो उस हिसाब से उस बॉडी उसकी बॉडी के हिसाब से वहाँ भी वर्किंग करेगा, ठीक हो गया जी। तो ये वाली पोर्शन आ गया हमारा, अब हम कुछ बाइक के अंदर ही कुछ चीज़ें और में देख लेते हैं कि और क्या है मोशन के अंदर कुछ, हमने लाइक बाइक के अंदर ये स्टेप्स का ऑप्शन होता है कि आप अगर बाइक को मूव कराना चाह रहे हैं, अगर कोई बाइक को आपने यूज़ किया हुआ है कहीं पर तो आप उसको यहाँ पे लाइक स्टेप्स का ऑप्शन है, स्टेप्स में क्या है आपके पास रन वॉक का ऑप्शन है, रन का ऑप्शन है और जंपिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ जी ऐड करने के लिए आपने जस्ट क्या करना है, बाइक सेलेक्ट करना है जिसको आप वर्किंग देना चाह रहे हैं, ये करंटली ये सिलेक्टेड है, तो मैं इसको दोबारा से क्लिक कर लेता हूँ, बाहर आता हूँ और यही सिलेक्टेड है, ये सिलेक्ट कर लिया और मोशन में आया, मोशन में आके यहाँ मैं फुट स्टेप मोड में कर लेता हूँ, इसको क्लिक किया, जैसे क्लिक किया यहाँ आपके पास प्लस का ऑप्शन मिलता है क्रिएट मल्टीपल फुट स्टेप्स, ठीक है, ये सिंपल भी था लेकिन हम ये अभी यही क्लिक करते हैं, क्लिक किया हमने, यहाँ नंबर ऑफ स्टेप्स है ये पूरा सेटिंग मिल गई है इसके, 5 स्टेप्स करने हैं, 10 करने हैं, 20 करने हैं, 5 स्टेप करके ओके कर दिया, ठीक है जी। 5 स्टेप्स के मुताबिक ये चीज़ आ गई, अब हम क्या करते हैं इसके देखें 5 स्टेप 0 to 4 5 स्टेप्स हो गए। अब इसको आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ क्रिएट की जो है कीज़ फॉर
इनएक्टिव फूड स्टेप्स है, यानी तो यहाँ पे आप इस बटन को क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उसके साथ फूड स्टेप्स के ऊपर चलना शुरू कर देगा। जैसे आप इसको प्ले करेंगे तो इस प्ले के ऊपर आपका वो जो पाइप है वो उसके ऊपर कार चलना शुरू कर देगा। तो आप जितने स्टेप्स यहाँ रखना चाहें, सपोज यहाँ मैं मज़ीद स्टेप्स रखना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, तो देन यहाँ पे प्लस का ऑप्शन मौजूद है, तो आप उसको मज़ीद प्लस का ऑप्शन बोलोगे तो जितने भी और स्टेप्स आपने लगाने हैं वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस मल्टीपल करता हूँ, फाइव और कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन ये फाइव में करता हूँ वन की सूरत में, प्लस करते हैं और स्टेप्स ले लें या फाइव ले लें, ठीक है, ओके किया, ये ओके कर दिया। अब नेक्स्ट यानी उससे आगे फाइव स्टेप्स मज़ीद आगे, तो ये भी हम क्या कर देते हैं, क्रिएट की, इसमें कीज भी जनरेट कर दो, कीज भी जनरेट हो गए, प्ले करके देखते हैं। ठीक हो गया जी, तो पिछले वाले में तो वो वॉक कर रहे हैं, अगले में वो रन कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, तो ये चीज़ हो। अगर आप ये सेपरेट पोर्शंस प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो देन आपने वाइप और वाइप लेके उसको वर्किंग कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से चल सके ये क्या और वर्किंग हो रही है, तो यहाँ आपने मैं कह सकता हूँ मेन पे आ जाता हूँ और यहाँ से एक और वाइप ले लेता हूँ, एक और वाइप ले लिया, ठीक है, तो उसको भी स्क्रिप्टन या मेल या क्लासिक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं, तो मैंने ये ले लिया। अब मैं इसके अंदर भी आया मोशन में, तो मोशन में आते ही यहाँ स्टेप्स को क्लिक करते हैं, अब मैं इसको ले लेता हूँ जंपिंग वाला, तो जंपिंग में मैं फाइव ही लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ जी क्रिएट कर देता हूँ फाइव के साथ, ये फाइव कर देता हूँ, ओके करते हैं, फाइव स्टेप्स क्रिकेट, तो इसको ये स्टार्ट करा देते हैं, ये कीज इसके ऑन कर लेते हैं, अभी हम प्ले करके देखते हैं, ये देखें ये जंप करता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो उसके पास दो फीचर्स हैं, यानी वॉक है और रन है, तो आप उसे जो फीचर लगाएंगे वो आ सकता है, यानी वॉक है, रन है और जंपिंग है, तीनों ऑप्शन आप उसके अंदर लगा सकते हैं और उसको आप रिगिंग कर सकते हैं उसके साथ, तो ये रिगिंग का हो गया एक मिनट, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कि सपोज हमने अब ये तो हम ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमने कहाँ से लिए हैं, फ्यूज़ से, फ्यूज़ के अंदर हैं, हम ऑब्जेक्ट वगैरह जनरेट कर सकते हैं, उसकी शक्ल वगैरह हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनको एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, मतलब उसका साइज़ वगैरह, फेस में साइज़ है, बॉडी में साइज़ है, कुछ मतलब चीज़ें आपने हेड लेग्स टीथ टॉस वगैरह के अंदर जो भी आपने वर्किंग करनी है यहाँ से हम कर लेते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं जब एक्सपोर्ट करते हैं उसे, तो एक्सपोर्ट में हमारे पास ऑप्शन क्या है ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर रिगिंग जो है हमें यहाँ इस तरह कुछ करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम ये चाह रहे हो कि हम ये रिग इसे किसी तरह से और कोई कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसके लिए ये रिग हो जाए, तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि आप इंजामों को खोलते हैं और इंजामों में आप अपना करेक्टर जो है जो भी आपने बनाया होता है उसे आप अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद जैसे ही आप अपलोड करते हैं तो वो जो है आपका कंपोनेंट जो है यहाँ पे आ जाता है, यानी जो भी आपने बनाया हो यहाँ से आप सेलेक्ट करके इंजाम जो रखना चाह रहे हैं वो यहाँ रख लेंगे, ठीक हो गया जी। तो फिर आप उसको जो आप एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं, एनिमेशन नहीं भी लगाना चाह रहे हैं डायरेक्ट, फिर आप अगर डाउनलोड पे जाएंगे उसके तो वो क्या है एनिमेशन के साथ भी ला सकते हैं, ठीक है, और विदाउट एनिमेशन भी ला सकते हैं, लाइक अगर मैंने यहाँ आपको वही मैंने पहले किया हुआ है यहाँ पे लाया हुआ है, तो उसी को हम करके देख लेते हैं कि नहीं यहाँ पर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ड्राॅइंग है, इसके अंदर मैं वो ले आता हूँ वो ऑब्जेक्ट जिसको मैंने रिग करके लाया हूँ, उससे इम्पोर्ट करता हूँ जिसको मैंने एग्ज़ामों से अपलोड किया है, और अपलोड के बाद उसके वहाँ से एग्ज़ामों से रिगिंग की है, और रिगिंग करने के बाद जो है मैं उसे वापस लाया हूँ, ये ऑब्जेक्ट था, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो है एग्जाम ऑफ यूज का है, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं वहाँ से आए, जो तो डायरेक्ट आया हुआ है वो तो आपको उसकी सारी चीज़ें दिखाएगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपको उसका आपने उसे एग्ज़ामों में बनाया, एडिट वगैरह किया, सारी वर्किंग की और उसको फिर आपने वहाँ जो है वहाँ से आप लेके गए, यहाँ लाइक मैं इसको ला रहा हूँ इम्पोर्ट कर रहा हूँ अभी, वही जो ऑब्जेक्ट जिसको मैं
यानी डॉक्यूज से बनाया मैंने, उसको बना के रिगिंग करने के मकसद के लिए सिर्फ और सिर्फ कहाँ गया, मैं यहाँ पे से ले आया, यहाँ से मैंने उसे फिर अपलोड किया उसे वहाँ रिगिंग के लिए। रिगिंग करने के बाद उसे मैंने यहाँ से फिर इंपोर्ट कर लिया। तो हमारे पास क्या है एज ए डॉट फ्यूज के ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ऑब्जेक्ट के तौर पे इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। अगर मैं इसे रिगिंग करने के लिए यहाँ ला रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो ऑब्जेक्ट बनता है उसको हमें क्या पता है कि इसमें फैसिलिटी अंदर क्या है कि एक्सपोर्ट एज ए मॉडल एज ओ बी जी करते हैं, तो उस ओ बी जी को हम स्किनिंग करने के लिए कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे हम एग्ज़ामों के अंदर लेके जाएंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे, जब वो ओपन हो जाएगा उसके बाद डाउनलोड करने लगेंगे तो वो हमसे पूछेगा विद स्किन चाहिए या कैसा या टी को चाहिए, ठीक है। वो हमारा करेक्टर जो है वो उसी को करेक्टर को हम जो है फिर अपलोड करने के लिए अपलोड कर लेंगे। तो अपलोड करके जब लाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये वाली आएगी ये, ठीक है। तो लाइक यहाँ देखें हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो है स्किन नहीं रही, ठीक है। तो हम मैं जब अपलोड मुकम्मल होगी तो उसके बाद आई ऑटो रिगर आ जाएगा, यहाँ आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ ऑटो रिगिंग की फैसिलिटी ये दे रहा है कि आप इंजिन वाली जगह पे ये पॉइंट रख दें, फिर रिस्ट की जगह पे ये रख दें, फिर एल्बोज़ की जगह से ये चीज़ रख दें, ये उठा के रख दें रिंग्स, फिर नीज़ के ऊपर ये रख दें और फिर ग्रोइन की जगह पर ये रख दें, यहाँ पर रख दें, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे हम तो क्या है स्टैंडर्ड स्केल्टन है और चेन फिंगर्स है वगैरह वगैरह, ये स्टैंडर्ड में से ये फाइव जो है पॉइंट्स ले रहा है वो हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये इसमें ये रिगिंग करना शुरू कर देगा, तो ये रिगिंग जो है विद इन टू मिनट्स का टाइम दे रहा है तो आपको ये रिगिंग कर देगा इसमें। ये देखें रिग हो गया जी, तो रिगिंग जब हो जाएगी तो फिर आपको ये इस तरह ये ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, नेक्स्ट कर देंगे तो ये हमारा यहाँ लोड हो जाएगा। अब उसके ऊपर अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ से कोई एनिमेशन अप्लाई करें तो हम एनिमेशन भी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज इट इज़ लेके जाना चाह रहे हैं तो एज इट इज़ भी ले जाएंगे, यानी अगर एनिमेशन यहाँ से आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये इसके ऊपर एनिमेशन भी अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। लाइक ये जो भी ये एनिमेशन 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 है, ठीक है, और बल्कि यहाँ से हम एनिमेशन को वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका यानी उस ऑब्जेक्ट को विद एनिमेशन या विदाउट एनिमेशन जस्ट आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड में टी पोज का ऑप्शन है और ओरिजिनल पोज एफ बी एक्स के तौर पे आप इसे लेके जाना चाह रहे हैं तो दिन भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ आप इसको डाउनलोड करते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं फ्यूज टू मैगजामो रिगिंग के रिगिंग के तौर पे। अब हम इसे इंपोर्ट करते हैं, फ्यूज टू मैगजामो रिग देखें जी, ये रिग हो गया। लेकिन इस रिग में हमें क्या मसला बना, मसला ये बना कि वो उसकी जो है मटेरियल्स ख़त्म हो गए, तो मटेरियल्स हमें जो है वो खुद से दोबारा लगाने पड़ेंगे, यानी एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें लग करेंगे। शुरू का जो मेरा लेसन था जिसके अंदर हमने वर्किंग की थी अबाउट निज़ामों पढ़ा था, तो निज़ामों के अंदर हमने निज़ामों और डार्क फ्यूज़ और क्या नाम है मामो सेट को पढ़ा था, यानी उसका ये रेंडरिंग का एक टूल है, तो वो उसके अंदर हमने उसको किस तरह जो है इसके मटेरियल दोबारा अप्लाई किए थे वो भी उसके अंदर हमें उस वीडियो के अंदर ये मौजूद है, तो उस वीडियो में से ये चेक कर सकते हैं कि आपको उसको अपने इसको री मटीरियल कैसे करना है, तो मटीरियल्स यहाँ भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मतलब इसमें और उसमें डिफरेंस ही है। तो अगर लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप जो विद मटेरियल्स आए और एनिमेशन वगैरह भी आए तो देन आप अगर यहाँ से करेक्टर्स लेते हैं, यहाँ पे जो भी करेक्टर्स आप यहाँ से लेके जाएंगे जो आप सिलेक्शन करेंगे, सपोज मैं ये करेक्टर लेके जाता हूँ, ठीक है, तो ये विद स्किन्स के जाएगा, यानी यहाँ से जो आप ऑब्जेक्ट्स लेके जा रहे होंगे वो विद स्किन होंगे। जैसे अभी हमने कुछ पहले खोले हुए थे कुछ ऑब्जेक्ट, तो वो क्या थे, वो यहाँ से स्किन होके स्किनिंग के बाद उसके ऊपर मैंने एनिमेशन अप्लाई की हुई थी,
एनिमेशन अप्लाई करने के बाद जो है मैं उसे वहाँ से डाउनलोड किया था, तो उन डाउनलोड्स को आप जो है क्या कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, रीसेट कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम इनको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो इंपोर्ट कर सकते हैं इनको। मैं अभी इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट में क्या है, प्रीडिक्ट मेरे पास है, यानी जो मैंने डायरेक्ट डाउनलोड किए हुए हैं। ओके, डायरेक्ट डाउनलोड जो किए हुए हैं वो वर्क करेंगे मेरे पास। लाइक ये तो हो गया ना, जो मैंने जिनको एक्सपोर्ट करके लेके गया हूँ, फिर उसके बाद मैंने इम्पोर्ट किया वो वाले। तो इसके अलावा ये रिग्ड बाई मिक्ज़ामा, यानी ये मिक्ज़ामा के ही करेक्टर्स हैं, ठीक है, पी आर वगैरह। तो ये जो है मैंने क्या किया है, ये यहीं से यानी यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उस सब्जेक्ट को मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ आ गया, उसके ऊपर एनिमेशन सेलेक्ट की और उस एनिमेशन को मैं क्या मैंने क्या यहाँ ले आया। मैं यहाँ टी पोज में है शायद ये, तो विद रिगिंग है, यानी अगर इसको आप ओपन करते हैं तो इसमें रिगिंग हुई हुई है बोन स्ट्रक्चर के साथ। तो हमें यानी रिगिंग के करने दोबारा रिग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यानी अगर आप प्री रिग्ड ऑब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो देन अपने एग्जामों की साइट के अंदर जाके उसको लॉगिन करें, अपना अकाउंट बना के लॉगिन करने के बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएं और उसकी एनिमेशन को जो है वो आप इसमें लगाएं, अप्लाई करें और फिर अपने एनिमेशन के साथ जो है उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करके आप अपने जो है ये अपने जो 3D Max का आपका प्रोजेक्ट है वहाँ आप उसे इम्पोर्ट कर लेंगे। तो इम्पोर्ट करेंगे, जैसे इम्पोर्ट करेंगे तो वो जो है आपको विद रिग जो है वो चीज़ आपको शो करेगा। ये देखें जी, ये ऑब्जेक्ट है जो हम वहाँ से एग्ज़ामों से डायरेक्ट हमने इम्पोर्ट किया है, और इसके ऊपर कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं हुई, टी पोज के तौर पे हम लाए हुए। एनिमेशन के साथ भी हम ला सकते हैं, ये किसी भी करेक्टर को हम एनिमेशन के साथ भी ला सकते हैं। यहाँ अगर लोड होता है तो नेट की रिफ्रेसिटी नेट ठीक हो तो ये जल्दी लोड होता है। तो खैर हमने ये लाइक लाया हुआ है, तो इसमें रिगिंग वाला ऐसा क्या फीचर है कि रिग कहाँ से हुआ हुआ है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो मैं इनको जो है इसके जो है फ्रीज करता हूँ स्किनिंग वगैरह को, तो ताकि हमें जो है ये बूंद इसके पकड़े जा रहे हैं, अभी पकड़ा जा रहा है या ई करते हैं। अब इसको चेंज करके देखते हैं तो देखें ये मतलब को जो उधर रिगिंग हुई हुई है वही रिगिंग हमारी यहाँ पे काम आ रही है। तो हम जो है यानी इसको उस रिग को यानी हमें रिगिंग नहीं करनी पड़ी, तो रिगिंग हुआ हुआ है उसी रिगिंग को हम जो है यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो सो इजी, यानी आप बना बनाया आप अगर कंपोनेंट लेना चाह रहे हैं या करेक्टर्स लाना चाह रहे हैं तो देन जस्ट आप क्या करें, यहाँ जाएं और यहाँ से आप करेक्टर सेलेक्ट करें, उसके ऊपर जो एनिमेशन लगानी है एनिमेशन लगाएं, और डिफरेंट एनिमेशंस को भी आप इसमें ऐड करके आगे ऐड कर सकते हैं। यानी लाइक अगर मैंने यहाँ पर एनिमेशन लाई होती तो मैं यहाँ उसकी इसकी एनिमेशन को सेव कर लेता, सेव करने के बाद जो है मैं उन एनिमेशंस को इनके ऊपर अप्लाई करता, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के लाइक यहाँ आप ऐड कर सकेंगे। लाइक ये मैंने पहले से कोई डोम सेव की हुई है, इसी में इसको अप्लाई करके देखते हैं इसके ऊपर ये मैच करती है। इसके पास इसका ट्रैक नहीं मैप कर रहा, क्योंकि वो डबफ्यूज की चीज़ थी जिसके ऊपर से मैं ये लाया था, ठीक है। तो खैर अगर हम एनिमेशन लाना चाह रहे हैं तो ला सकते हैं, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट्स लाएँ, मैं इसी को यानी ये तो हो गया, मैं यहाँ कर देते हैं, देखते हैं हम कि हमारे पास और ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं कोई। इंपोर्ट करते हैं एनिमेशंस जो के मैंने उसी पुलिस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई हैं, लोग मुख्तलिफ लाइक में क्रॉलिंग वाला, ये चप्पा वाला है, ये क्या है, क्रॉलिंग ले आते हैं इंपोर्ट, क्रॉलिंग ये ले आते हैं, इसको ओके करते हैं। एक तो है यानी इस एनिमेशन को हम सेव करना चाह रहे हैं कि ये जो एनिमेशन अगर किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर लगानी हो तो लगा सके, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस एनिमेशन को सेव कर लें, लोड एनिमेशन करके यहाँ यानी XAF फाइल इसकी सेव करनी होती है। तो ये क्या था, क्रॉलिंग था, तो ये क्रॉलिंग के तो नाम पर हम इसको सेव कर देते हैं ताकि किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमें यही एनिमेशन लगानी होगी जो कि ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, ये हमने उसका फ्यूज़ का ऑब्जेक्ट है तो ये इसलिए ये देखेंगे क्रॉलिंग करता हुआ, और
तो अगर हम चाह रहे हैं कि इसी के ऊपर एक और एनिमेशन लगा दी जाए, तो यहाँ लोड एनिमेशन करते हैं, यहाँ अम्पायर वाला ऑप्शन या सांबा डांस का कर देते हैं, तो यहाँ लोड मोशन करते हैं, तो क्योंकि ये करेक्टर सेम है जिसके ऊपर ये एनिमेशन लगी हुई है, तो यहाँ देखें जो है ये हो गई है, तो हम यहाँ एनिमेशन को लोड करते हैं, ये इसको यहाँ नहीं देखना है इसका, से करते हैं एनिमेशन लोड एनिमेशन। यहाँ पे आपके पास की फ्रेम है कि स्टार्ट है कहाँ से ये इसको इंसर्ट करें, तो 55 हम कर लेते हैं, क्योंकि 50 तक 54 तक जो है वो उसके कुछ प्रीवियस है, और ये जो है एम्पायर वाली हम लगा देते हैं इससे आगे शुरू 55 से, तो लोड मोशन करते हैं 55 से आगे आके ये दूसरा मोशन करेगा जो हमने इसको अभी दिया, तो अभी देखते हैं जी इसको प्ले करके, यानी इसने उसके साथ ही जैसे ही 55 पर पहुंच रहा है तो अगला मोशन जो है वो वाला प्ले कर रहा है जो हम एम्पायर कर रहा है, ठीक है। वो अगर हम यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ 55 है, तो यहाँ मैं जो है और मोशन से लगाता हूँ, ये सांबर डांस वाला लगाता हूँ, ये थोड़ा लंबा है वैसे, तो इसकी वो भी लंबी है, हमने 100 तक रखा हुआ है, खैर हम 100 तक ही 55 से ऑनवर्ड जो है वो सांबर डांस वाला इफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह हम मोशंस को भी इसके अंदर सेव भी कर सकते हैं, जो मोशंस हमें यानी ये सारी चीज़ें कहाँ से मैंने यहाँ से यहाँ अपलोडेड था मेरा ऑब्जेक्ट, उस अपलोडेड ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एनिमेशंस में गया, यहाँ डिफरेंट एनिमेशन थी उनको मैं क्लिक करके मैंने वन बाय वन ये डिफरेंट एनिमेशन जो हैं जो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं इसके अंदर, तो वो मैंने क्या किए हैं इसके अंदर ऐड किए हैं, सेव किए हैं, यानी कि अभी तो सेव सेव कुछ ही किए हैं लेकिन उसके अंदर डाउनलोड किए हुए हैं, जो वो आपको दिखा रहा हूँ कि डाउनलोड होने मैंने कितनी सारी की हुई हैं, ये सारी एनिमेशन मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इसके ऊपर मैंने वर्किंग करनी थी उसके लिहाज से मैंने डाउनलोड कर ली। ये देखिए कितनी सारी ये एनिमेशन जो है जस्ट इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सारी एनिमेशन आई हुई, ठीक है, होल्डिंग है, सलूट है, सांबा डांस है, इसी तरह स्टैंडिंग है, वॉकिंग है, जंपिंग है, फाइटिंग है, काफ़ी कुछ जो है जो इसके रिलेटेड मैंने काम कराना था इसे, तो उसके हिसाब से मैंने इसके ऊपर ये चीज़ें लगा दी। तो यहाँ देखते हैं जी अभी ये क्या करता है, जगह उसको कम ही है, तो ये डिपेंड करता है कि हम इसका टाइम फ्रेम कितना रखना चाह रहे हैं, टाइम फ्रेम ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके जो पूरे जितने भी फ्रेम्स हैं वो सब चलेंगे, ठीक है। लाइक इस वक्त 380 के राउंड हैं, ये आगे जाके सांबर डांस वाले एक्स कर रहे हैं, ठीक है, नहीं जस्ट डायरेक्शन जो है उसकी वो ठीक नहीं है, तो वो हम ऐसा कर सकते थे कि वहाँ एक और की पेमेंट करके 55 पे, तो जो है कि के जरिए से पहले इसके डायरेक्शन इसकी सिमत दुरुस्त कर लेते हैं, ठीक है, यानी यहाँ आके अगर हम इसको ये जगह है 55 वाली ये यहाँ ऑटो की करके और इसको ये करते हैं और इसको उसके डायरेक्शन में इसको हमें खड़ा करना है या जैसे भी करना है वो इसको हम कर लेते हैं, तो फिर जो है ये एनिमेशन हमारी दुरुस्त हो जाती है, तो यानी इसमें अब एनिमेशन को ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम लिक्विड्स के बारे में ऐड भी कर सकते हैं, लिक्विड्स के अंदर इसके अंदर बड़ी अच्छी जो है वो हमारे पास मॉडिफायर्स हैं जो लिक्विड्स वगैरह बनाते हैं और बहुत रियलिटी शो होती है उनके अंदर, और अभी हम लोग इसमें आर्नोट का जो है रेंडर शो कर रहे हैं, तो वैसे वीरे इज़ द बेस्ट रेंडरिंग टूल, ठीक है, तो हम वैसे अभी करंटली जो हम यूज़ करेंगे वो आर्नोट का, इसके अंदर बिल्ट इन जो है 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर उसका अपना रेंडरिंग का टूल है, उसको यूज़ करते हुए हम इस तरह के लिक्विड्स वगैरह बनाएंगे, उनका फ्लो वगैरह शो करेंगे, उसमें ग्रेविटी के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर जो है हमारी जो प्रेजेंटेशंस होंगी उनके अंदर जो है निखार लाएंगी, लाइक वाटर फ्लो है या पेशावर है, ब्लास्ट के ऑप्शंस हैं, इस तरह अदर फोर्सेस हैं जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे।